जादूगर का सुंदर मैंने बहुत सारे देखे हैं, जादूगर घर देखा है, किला देखा है, लेकिन ये बच्ची ने काफ़ी सुंदर जादू किए हैं, उनको बहुत पसंद आया। और नए नए जादू थे उसमें भी, जो लास्ट वाला जो कटिंग वाला था वो बहुत बढ़िया था, एक बार देखने जैसा। और दूसरा स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो था, जो 5 सेकेंड के अंदर गायब हो जाता है, वो भी बहुत बढ़िया। ज़रूर एक बार ये शो देखना चाहिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, हम लोगों को भी बहुत मज़ा आया है। बहुत बढ़िया था, अच्छा एक्सपीरियंस था, कच्छ में पहली बार देखा था, सुपर। मेरी तो यही विश है कि हर साल होता रहे, अच्छा रहेगा। बहुत बहुत बढ़िया, जो देखने आए हैं उनके लिए सपोर्ट करें, ऐसे ही मैडम का शो देखते हैं और आगे बढ़ें। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा देख के, जैसे बाहर था उस ऐसा था नहीं कि अंदर कुछ ऐसा दिखने मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा देख के। और ना मैम ने जिस हिसाब से स्टेज पे बात किया, उनका मतलब बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। आज मुझे हमारे फैमिली के साथ हम यहाँ पे आए और बहुत ही मज़ा आया, एकदम बढ़िया था शो। और मैं आसपास के सभी गांधीधाम वासी और आदिपुर वासी को सभी को बोलूँगा कि ज़रूर एक बार आना चाहिए, बहुत अच्छा शो है, फैमिली के साथ बहुत ही मज़ा आएगा। जो मैजिक का टाइमिंग है आंचल मैम का, तो वो सबसे बढ़िया है, हम मांडवी से बिलोंग करते हैं। और मैजिशियन आंचल वॉज माइंड ब्लोइंग, ऐसा हमने कभी नहीं देखा एक्चुअली। द लास्ट कटिंग वॉज फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। मैं ज़रूर अपने आस पड़ोस, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, मेरे इंस्टाग्राम सभी को आई विल रिकमेंड टू कम एंड सी द शो। बस मैं तो देख रही थी और मैं चौंक रही, आई वॉज शॉक टू सी वो कहाँ हो गया। वो लास्ट जो सीन था, वो जो दो पीस जो बहुत अच्छा था, कि मतलब मैं देख रही थी वो कैसे ऐसे बीच में कुछ ऐसा लिंकअप भी नहीं था, अच्छा था वो रहा। क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा है जादू का, ऐसे टीवी में वगैरह में तो देखा है, हाँ लाइव मैंने अभी देखा, तो बहुत अच्छा। बस एक शॉकिंग ही था बस मैं एक के बाद जो हो रहा था, इट वॉज़ वेरी शॉकिंग एंड वेरी नाइस एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया था, क्योंकि अभी तक इतने म्यूजिशियन देखे हैं, टीवी में सबसे बढ़िया था। ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिए, देखने लायक है, पैसा वसूल। वो भारत माता वाला मेरे को अच्छा लगा, कि क्या है, देश का सम्मान हो रहा था। शो बहुत अच्छा था, वो लड़कियों के इतना अच्छा कर रही है, वो देख के बहुत अच्छा लगा। लास्ट वाला एक जिस डायमंड कटर से कट करते हैं, वो वाला एक बहुत अच्छा, और शॉकिंग भी था कि मतलब कैसे किया वो भी। अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत सारू, एकदम सारू। कट्टर वाला जो पीस हो गया, एक बार जो आज मुझे 100% जाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे लास्ट वाला, बहुत अच्छा लगा। अच्छा था, इन्जॉय किया, बहुत अच्छा था। खास तो इनका देखो, जो भी एक्ट थे सब कुछ ना कुछ सब में खास था, तो कुछ बता नहीं पावे, लेकिन इन्जॉय किया, बहुत अच्छा था, अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा, फैंटास्टिक। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गायब किया फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, टाइमिंग बहुत परफेक्ट है आज का, बहुत अच्छा कर रही है। मतलब एज ए वुमेन मैंने पहला देखा है तो उसमें और इसमें आपको क्या अंतर देखने को मिला ऐसा, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो? कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कम एज के हिसाब से, इस एज में है, एज ग्रुप में है, काफी अच्छा कर रहे हैं और टाइमिंग परफेक्ट है, सबसे अच्छी टाइमिंग। एनी सजेशन अबाउट द शो? आओ आओ।
ये तो कंटिन्यूअस प्रोग्रेस का चीज होता है ना, इंप्रूवमेंट की चीज होती है, जितना आप इंप्रूव। इसीलिए तो सर आपसे इंप्रूवमेंट के लिए ही पूछ रहे हैं। यस, और हमें सुनने में आया कि उन्होंने जैसे आया था कि किसी सरकार ने पूरी राजधानी ट्रेनिंग गायब कर दी, हो सकता है हमें कभी वो भी लाइव देखने को मिल जाए कि ऐसा कुछ हो सकता है। इस शो का 5 स्टार्स में से कितने स्टार्स की रेटिंग्स देना चाहेंगे? बहुत मस्त, बहुत अच्छा है। अच्छा, लास्ट वाला? हाँ, एंड वाला बहुत अच्छा था। शो तो बहुत ही जबरदस्त था। मुझे वो छोटे बच्चे वाला ना, क्योंकि बड़े तो सभी शायद पता होता है लेकिन छोटों को नहीं होता, दूध पीता है वो बच्चा, वो बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा था और इतनी छोटी उम्र में इतनी कामयाबी, मतलब बहुत ही अच्छा शो था। और हम आस पास अड़ोस पड़ोस सबको बोलेंगे देखने जरूर। ये तो बहुत कम ही है 5 स्टार, तो ज़्यादा ही होने चाहिए स्टार। 5 में से 5 आउट ऑफ 5 मैं 4 दूंगा जरूर। उसको 5 स्टार में से 5 स्टार देना चाहूँगा क्योंकि इतनी छोटी उम्र में बहुत बढ़िया वो लोगों ने काम किया। 5 में से 5 5 स्टार, ऑब्वियसली 5 स्टार। इतने सारा पढ़ रहे हैं और इसके अलावा जादूगर का शो करना बहुत बढ़िया टैलेंट है। फाइव में से मैं 10 देना चाहूँगी।